बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर किंग लियर। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें अनस्क्रैम्बल करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है गोनीरिलिया, सेकंड वर्ड है ड्यूक, थर्ड है कॉर्डेला, फोर्थ है एल्बनी, फिफ्थ है रीगन, सिक्स्थ है फ्रांस, सेवेंथ है नेटल्स, एट्थ है वीर्स एंड टेंथ है एल्बनी। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी बच्चों एंगर में डिसीजन लेना हम ले लेते हैं, गुस्से में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये सिर्फ हमारे लिए ही हार्मफुल नहीं होता है लेकिन हमारे जो बिलवर्स हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक हो जाता है। तो किंग लेयर है जो अपनी बेटी कोर्डिला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और लेकिन एक दिन क्या होता है, गुस्से में वो कोर्डिला के लिए ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते बल्कि अपने लिए भी दिक्कतें पैदा कर लेते हैं। तो आइए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं ये सब किस तरह से होता है। तो किंग लेयर वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग लेयर इंग्लैंड के राजा थे और उनकी तीन बेटी थी, जॉनरिला, रीगन और कॉर्डिला, और वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन कॉर्डिला उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। He was weary of the business of his kingdom. अब वो अपने राज्य को संभालते संभालते थक चुके थे और अब वो बूढ़े हो गए थे, थक जाते थे, और वो उनकी इच्छा ऐसी थी कि वो अपने बाकी जो उनके समय है वो अपनी बेटियों के साथ शांति से बिताएं। और जॉनरिला जो थी वो ड्यूक एल्बनी के ड्यूक से शादी हुई थी। ड्यूक मतलब वहां का एक हाई रैंक का जो पोजीशन का नोबल मैन था, उससे शादी हुई थी। और रीगन को ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से शादी हुई थी, और जो दोनों थे बर्गंडी का ड्यूक और फ्रांस का राजा, वो दोनों उनकी तीसरी बेटी कॉर्डिला के लिए हाथ मांग रहे थे। तो हु वाज द यंगेस्ट, जो सबसे छोटी थी। एक दिन लेयर अपनी तीनों बेटियों को एक साथ बुलाते हैं और उनको बोलता है कि उनको अपना राज्य डिवाइड करने के बारे में बोलता है। तो जॉनरिला जो थी वो वाकई एक बहुत ही चालाक लेडी थी, एंड वो अपने फादर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और बोलती है कि दैट शी लव्ड हिम मोर देन वर्ड्स कुड से, मतलब जितना ज्यादा शब्दों से कह सकते हैं उससे ज्यादा वो उनसे प्यार करती है। एंड शी लव्ड हिम मोर देन लाइफ, वो अपने जीवन से, ग्रेस से, हेल्थ से, सब ब्यूटी और ऑनर सबसे ज्यादा अपने फादर से प्यार करती है। तो वो उनकी आंखों का तारा बन गई। और इस तरह अब उसके बाद Now King Lear asked her second daughter Regan. अब राजा ने अपनी दूसरी बेटी रीगन से पूछा कि वो उन्हें कितना प्यार करती है। तो उसने बोला कि वो भी उन्हें अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती है, ऐसा रीगन ने इजहार किया। सिंस आई केयर फॉर नथिंग बट माई फादर्स लव, उसने कहा मैं किसी और चीज की चिंता नहीं करती, परवाह नहीं करती, बस अपने पापा के प्यार की करती हूँ। तो लेयर वाज मच प्लीज्ड विद रीगन्स वर्ड। रीगन जो था, लेयर जो था वो बहुत खुश हुआ अपनी बेटी के शब्दों से, और अब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, सबसे प्यारी बेटी कॉर्डियला से पूछा। तो नाउ आवर जॉय थॉट दो लास्ट नॉट लीस्ट ही सेड, उसने कहा कि ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश ना ही कम, मतलब जितना द बेस्ट पार्ट ऑफ माई किंगडम आई हैव केप्ट फॉर यू, व्हाट कैन यू से माई डियर। उसने कहा कि मैंने अपने राज्य का सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारे लिए रखा है, तुम बताओ कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। तो कॉर्डिला, हु नो हर सिस्टर्स वीकनेस वेरी वेल, कॉर्डिला को अपनी बहन की चालाकियां बहुत अच्छी तरह से पता थी, वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसकी बड़ी बहनें झूठ बोल रही थी। शी सेड आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी, उसने कहा, कॉर्डिला ने बोला कि वो उनको अपने कर्तव्यों के अकॉर्डिंग प्यार करती है, ना ज्यादा ना कम। एंड आई एम योर डॉटर, शी वेंट ऑन, और वो चली गई। एंड यू हैव brought me up, उसने कहा कि and आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, and I return you those duties back as a right and fit, मतलब मैं आपको उन कर्तव्यों का पालन करूंगी जो सही होंगे और सुटेबल होंगे, आपका आज्ञा मानूंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपका सम्मान भी करूंगी। और ऐसा कहकर, क्योंकि because she was disgusted with the way in which her sister professed love, तो क्योंकि वो उस चीज से बहुत परेशान हुई थी कि उस जिस तरह से उसकी बहनों ने प्यार का इजहार किया था, जो वाकई में वो मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहती थी अपने पिताजी के बुढ़ापे में। तो लियर जो था, कॉर्डेला था, वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको था कि वो उसको एक्स्ट्रा वेजेंट प्रोफेशन मतलब उसको सुटेबल जो है उससे भी ज्यादा, गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज रीजनेबल, मतलब
जो भी कुछ है उससे भी ज्यादा उसके पार होकर वो उसको प्यार करता था। गो उसने उसको बोला कि, और लेकिन उसने उसका दिल दुखा दिया उसको, ऐसा बोल के उसने बोला जाओ और तुम मेरे लिए अब अजनबी की तरह हो। द अर्ल ऑफ कैंट, वन ऑफ द लेयर्स फेवरेट कॉर्टियर एंड कैप्टन। जो कैंट का अर्ल था, एक लायर्स का फेवरेट दरबारी था और कैप्टन था, ट्राइड टू सेव वर्ड फॉर कॉर्डेला से, कॉर्डेला के फेवर में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन लायर ने वो नहीं सुना और उसने अपने राज्य को गोनरिला और रीगन में बांट दिया और उसको बोला कि उसको ओनली कीप ए 100 नाइट्स एट आर्म्स, और उसको मतलब शूरवीर दे दिए, 100 सिपाही दे दिए, एंड वुड लिव विद हिज डॉटर्स बाय टर्न्स, और अपनी बेटियों के पास बारी बारी रहने लग गया। When the Duke of Burgundy knew, जब बर्गंडी के ड्यूक को पता चला कि कॉर्डेला को उसके राज्य में से कोई हिस्सा नहीं मिला, तो उसने अपनी उसकी दरबार छोड़ दिया। बट द किंग ऑफ फ्रांस मैरिड हर, लेकिन फ्रांस के राजा ने उससे शादी कर ली। इसलिए अब कॉर्डेला जो थी वो फ्रांस की रानी बन गई, और अर्ल ऑफ कैंट जो था, फॉर हैविंग वेंचर टू टेक हर पार्ट, अब वो कहीं चला गया था, वॉज बैनिस्ड फ्रॉम द किंगडम, जिसको कि देश निकाला दे दिया गया था। बैनिश्ड मतलब देश निकाला देना। द किंग नाउ वेंट टू स्टे विद हिज डॉटर गोनरिला, वो राजा था अपनी बेटी गोनरिला के पास रह रहा था, हु हैड गॉट एवरीथिंग फ्रॉम, जिसे उसके पापा ने सब कुछ दिया था दैट ही हैड टू गिव, सो शी वाज हार्श एंड अनड्यूटीफुल टू हिम, वो बहुत ही निर्दयी थी और अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करती थी, और उसके जो फ्रेंड्स और सर्वेंट्स थे वो भी अच्छे नहीं थे। माय मैन आर ट्रेंड हु नो ऑल पार्ट्स ऑफ ड्यूटी, सेड लेयर। लेयर ने कहा मेरे आदमियों को ट्रेनिंग दी गई है कि उनके कर्तव्यों को किस तरह से वो पालन करे। जोनरिला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ज्यादा, और अब वो ऐसा कहकर अपनी दूसरी बेटी के पास चला जाता है उसे छोड़कर। और उसके जो घोड़े होते हैं वे बींग सैडल्ड, सैडल्ड मतलब उसकी वो तैयार करता है, काठी कसता है, एंड ही सेट आउट विद हिज अपने साथियों के साथ वो रिगेन के किले में चला जाता है। लेकिन वो हु हैड फॉर्मली आउटडन हर सिस्टर इन प्रोफेशंस ऑफ अटैचमेंट टू द किंग, लेकिन उसने भी ऐसे ही अपनी बहन की तरह ही इजहार किया था, उसको असली में अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करना था। देन मतलब व्हेन लेयर सॉ दैट दे रियली वांटेड टू ड्राइव हिम अवे, वो भी चाहती थी कि लेयर ने जब देखा कि वो भी चाहती है कि वो उसके फादर दूर चला जाए, तो ही लेफ्ट देम, उसने उनको भी छोड़ दिया, एंड वो अपने सिपाहियों के साथ, शूरवीरों के साथ जंगल में चला गया कोई भी अनजान जगह पे। दिन के खत्म होने के साथ ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के दरबार में गया कॉर्डेला को ये सब बताने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। दूसरी तरफ जो कॉर्डेला का हस्बैंड था उसने एक आर्मी दी उनको, और उसके शी लैंडेड टू डोवर टू अटैक एल्बनी, एल्बनी पर हमला करने के लिए जो जॉनरिला की राजधानी थी। हियर शी फाउंड पुअर किंग लैर, वहां उसे अपने बेचारा राजा लैर मिला जो कि इधर उधर घूम रहा था, और वेयरिंग ए क्राउन ऑफ नेटल्स एंड वीट्स, नेटल्स मतलब एक तरह का प्लांट होता है जिसमें बाल हेयर्स होते हैं, और वीट मतलब जंगली घास का उसका जो क्राउन था। दे ब्रॉट हिम बैक, वो उसे वापस लाया, उसे खाने को दिया, कपड़े दिए, और कॉर्डिला केम टू हिम एंड किस्ड हिम, कॉर्डिला उसके पास आई और उसे किस किया। एंड नाउ ही न्यू, अब उसे पता था कि आखिरी में उसके कौन से बच्चों, कौन सा बच्चा उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, और किसके साथ उसको प्यार करना चाहिए था, कौन उसके योग्य था। तो जॉनरिला और रीगन ने हैड जॉइंड देयर आर्मीज टू फाइट अगेंस्ट कॉर्डिलाज आर्मी, उन्होंने कॉर्डिला के सेना के विरुद्ध लड़ाई की दोनों ने मिलकर, एंड और वो सफल हो गई। कॉर्डिला को प्रिजन में, जेल में लटका दिया गया, और राजा जो लेयर था उन्हें, उनकी डेड बॉडी को उनके हाथ में गिरा दिया गया और वो मर गए। तो जॉनरिला जो थी किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया, एंड गिविन ए डेडली पॉइजन टू हर सिस्टर, अपनी बहन रिगन को भी जहर दे दिया जेलेसी की भावना से। तो इस तरह से इस कहानी का, राजा लेयर और उसके परिवार का अंत हुआ। तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड टेक अवर डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग सफिशिएंट, हमें सोच समझ के अपने निर्णयों का लेना चाहिए। डिसीजन टेकन इन हरी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय या गुस्से में लिए गए निर्णय की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। थैंक यू।